हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस शहर में 1971 के दौरान पानी के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। और इस शहर को पूरी तरह से भारतीय नौसेना की बहादुरी की वजह से जाना जाता है। और इस शहर में आपको नौसेना का पहला नेवल बेस कैंप मिलेगा। तो वहीं एशिया का पहला सबमरीन म्यूजियम भी इसी शहर में है और यहां जहाज बनाने का कारखाना भी है। तो वहीं दोस्तों, इस शहर में देश का सबसे पुराना शिपयार्ड भी है और इस शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान भी इसी शहर में प्रकट हुए थे और यहाँ उनका काफी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी है। दोस्तों, ये शहर गेस व्हाट, कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश का सबसे पॉपुलर शहर है विशाखापट्टनम। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल होने के साथ ही साथ इस राज्य का सबसे खूबसूरत शहर भी है। भारत के दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर स्थित यह शहर आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। विशाखापट्टनम में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 23 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये भारत का 17वां सबसे बड़ा शहर है। विशाखापट्टनम चेन्नई और कोलकाता के बाद पूर्वी तट पर तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर पश्चिम घाट की सुंदर पहाड़ियों के बीच में स्थित है और जिसके पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी स्थित है। समझिए कैसा माहौल होगा वहाँ का। दोस्तों, इस शहर को विजाग के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्रिटिश भारत आए तो उनके लिए विशाखापट्टनम का उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वैसे वो कहाँ हिंदी बोलते थे, है ना, इसीलिए उन्होंने इसे विजाग कहना शुरू कर दिया था। ब्रिटिशों के भारत छोड़ने के बाद भी लोग अभी तक इसे विजाग बोलते आ रहे हैं। खैर, दोस्तों, कहा जाता है कि विशाखापट्टनम का नाम शौर्य यानी कि वीरता की देवी विशाखा के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा इस शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी और ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट कहा जाता है। विशाखापट्टनम शहर का इतिहास रामायण और महाभारत से भी मिलता है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि एक समय इस शहर पर सम्राट अशोक का भी राज हुआ करता था। दोस्तों, हर भारतीय का सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करे और इस सपने में कुछ लोग कामयाब हुए, जबकि दूसरे लोगों के मन में आर्मी का चाम हमेशा ही रहा। विशाखापट्टनम का आर्मी से कुछ ज्यादा ही जुड़ाव रहा है। यहाँ एक ऐसा म्यूजियम है जो आपको भारत के किसी दूसरे कोने में देखने को नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि आप अगर सच्चे देशभक्त हैं और आपने इस म्यूजियम को नहीं देखा तो आपने क्या ही देखा यार। इस म्यूजियम को कहा जाता है INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम। दोस्तों, विशाखापट्टनम के इस म्यूजियम में आकर आपको ऐसा लगेगा ना जैसे आप असली सबमरीन के अंदर आ गए। सीरियसली, एक समय के लिए तो आपको यहाँ पर वॉर वाली फीलिंग भी आ जाएगी और यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि सबमरीन के अंदर लोग किस तरह से रहते हैं। रियली, एशिया में ये इस तरह का पहला यूनिक म्यूजियम है जिसकी ओपनिंग 2002 में हुई थी और इसे अभी भी नौसेना से ड्रेसिंग शिप का सम्मान दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत को भी विशाखापट्टनम में ही तैयार किया गया था। यस, इसे 2009 में लॉन्च किया गया था और 2016 में इसका परीक्षण पूरा हुआ और अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और फ्रांस के बाद भारत 6वां ऐसा देश बन गया था जिसके पास स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन है। यस, वही दोस्तों, विशाखापट्टनम में भारत का पहला नेवल बेस है। इसी शहर से भारतीय नौसेना को अपनी वीरता दिखाने का मौका मिला था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्र के नीचे युद्ध विशाखापट्टनम में ही लड़ा गया था, जिसे पूरी दुनिया गाजी अटैक के नाम से जानती है। इसी युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक सबमरीन गाजी को पानी के नीचे हमले में खत्म कर दिया था। अगर आपको भारत और पाक के बीच विशाखापट्टनम में हुए इस युद्ध की कहानी देखनी है तो आप बॉलीवुड मूवी द गाजी अटैक भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश का सबसे पुराना शिपयार्ड भी है। बंदरगाह समुद्री जहाजों के ठहरने की जगह को बोला जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह है क्योंकि इस पर एक डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी है जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें आने पर भी वो लहरें जहाजों से टकराने में असफल हो जाती हैं। अच्छा है ना। दोस्तों, यहाँ की ऑयल रिफाइनरी पूरे देश में मशहूर है। विशाखापट्टनम एक फिशिंग का केंद्र भी रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जायंट स्टील और पावर प्लांट सेंटर है, यानी कि दोस्तों आपको इस शहर में जाकर काफी कुछ मिल सकता है। दोस्तों, एक बात तो सच है, पहले के समय में इंडिया के लगभग सभी शहर काफी गंदे हुआ करते थे, लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया तब से कुछ शहर सामने आए हैं जिनमें साफ सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया। विशाखापट्टनम का नाम भी उन शहरों की लिस्ट में शामिल है जो सबसे स्वच्छ शहर माने जाते हैं। भारत के सबसे साफ शहरों के मामले में तीसरे स्थान पर विशाखापट्टनम आता है। दोस्तों, समुद्र के किनारे बसे होने के कारण इस शहर का मौसम ज्यादातर समय सुहावना बना रहता है और शहर का तापमान हमेशा संतुलित रहता है। वैसे तो नेचर खुद ही शहर को गंदा नहीं होने देता। वहीं साफ सफाई की बात करें तो यहाँ के लोग इस बात का काफी ख्याल रखते हैं, तभी तो नंबर 3 पे है ये। विशाखापट्टनम के लोग अपने शहर को साफ रखने में सरकार का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद ही अपने शहर की साफ सफाई में लग जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल लाखों टूरिस्ट विशाखापट्टनम के शांत समुद्री तटों और यहाँ की खूबसूरती का ही आनंद लेने आते हैं। वैसे तो यहाँ टूरिस्ट स्पॉट की भरमार है, लेकिन विशाखापट्टनम में एक ऐसी जगह भी है जो दूसरे राज्यों से आए लोगों को ज्यादा पता नहीं होती है। इस जगह को चिंटपल्ली कहा जाता है। चिंटपल्ली विशाखापट्टनम का एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और ऐतिहासिक नगर माना जाता है।
जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान कभी कभी 2 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। ये राज्य के सबसे खास वीकेंड गेटवे में शामिल है। इस जगह को लेकर खास बात ये दोस्तों कि आपको चिंटपल्ली जगह किसी भी समय खाली नहीं मिलेगी। यहाँ लोगों की भीड़ ना लगी रहती है और इन लोगों में ज्यादातर लोग इसी शहर के होते हैं। सोचिए आप यहाँ नवंबर से लेकर फरवरी के मध्य आ सकते हैं। सर्दियों में यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है यार। एक रिफ्रेशिंग और यादगार सफर के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों आपने बेलम और बोरा की गुफाओं के बारे में तो सुना ही होगा। जिन लोगों को इन गुफाओं के बारे में नहीं पता तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बोरा गुफाएं विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन गुफाओं की खासियत यह है कि इनको 10 लाख साल पुरानी गुफाएं माना जाता है। गुफाएं अंदर से काफी बड़ी हैं और कहा जाता है कि हर कोई इन गुफाओं को देख नहीं पाता क्योंकि ये गुफाएं दिखने में थोड़ी डरावनी सी लगती हैं। विशाखापट्टनम में रुककर भी दिन में गुफाएं देखी जा सकती हैं। इन गुफाओं में प्राचीन कालीन शिवलिंग की पूजा आज भी आदिवासी लोग करते हैं। वहीं अगर बेलम की गुफाओं की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल से 106 किलोमीटर दूर बेलम की गुफाएं स्थित हैं। मेघालय की गुफाओं के बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाएं हैं। यस, और दोस्तों आप विशाखापट्टनम में इन गुफाओं को देखने के लिए जा सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। दोस्तों विशाखापट्टनम का सिमाचलम मंदिर भगवान विष्णु के सबसे उग्र अवतारों में से एक नरसिंह अवतार को समर्पित माना जाता है। वैसे तो भगवान नरसिंह के कई मंदिर भारत में हैं, लेकिन इस मंदिर को उनका निवास स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं प्रहलाद ने करवाया था। सिमाचलम मंदिर सिंहाचल पर्वत पर स्थित है। सिंहाचल का मतलब होता है सिंह का पर्वत। भगवान नरसिंह का सिंहाचलम मंदिर विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विशाखापट्टनम आने वाले लोग इस मंदिर को जरूर देखने जाते हैं। दोस्तों ये शहर बौद्ध धर्म के लिए भी ना काफी अहमियत रखता है। विशाखापट्टनम में बाबीकोंडा बुद्धा स्तूप एशिया के सबसे पुराने बौद्ध साइट्स में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि बाबीकोंडा 3री शताब्दी से भी पहले का है। बाबीकोंडा के पास बौद्ध स्थल थोटलाकोंडा और पवोरलाकोंडा है जिनकी काफी ज्यादा मान्यताएं हैं। वहीं अगर खाने की बात की जाए दोस्तों तो विशाखापट्टनम ही नहीं बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश को पूरे देश में मसालेदार पकवानों के लिए जाना जाता है। अगर आपको तीखा खाना पसंद है ना तो आ जाओ यहाँ पर यार। इस शहर में आपको एक से बढ़कर एक स्पाइसी फूड आइटम्स खाने के लिए मिल जाएंगे और खास बात यह है कि यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों ही फूड आइटम्स काफी पॉपुलर माने जाते हैं। चावल खाते लोग आपको विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा दिखेंगे। झींगे और मछली यहाँ पर खाए जाने वाले पॉपुलर सी फूड्स में से एक है। इसके अलावा विशाखापट्टनम जाकर आपको पुलिहोरा, चप्पा पुलुसु, गोंगुरा पिकल, अंबाडी, पैसा रत्तू जरूर ट्राई करना। वैसे नाम हो सकता है मैंने गलत ले लिया हूँ, लेकिन ये नाम थोड़े अजीब है, पर हाँ आप इन्हें जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है यार। वैसे तो विशाखापट्टनम में कई फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, लेकिन हर साल यहाँ होने वाला विशाखा फेस्टिवल सिर्फ विशाखापट्टनम ही नहीं बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश का सबसे खास और ग्रैंड लेवल पर आयोजित होने वाला त्यौहार है। दरअसल इस त्यौहार को इसलिए भी इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है ताकि यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। ये फेस्टिवल 3 दिनों तक चलता है और हर दिन इस दौरान विशाखापट्टनम में हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। अगर आप विशाखा त्यौहार का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों तो अपनी ट्रिप तभी प्लान करें जब विशाखा त्यौहार का शहर में आयोजन हो रहा हो। दोस्तों विशाखापट्टनम पर आप रिलैक्सिंग टाइम बिता सकते हैं, यस, साथ ही शॉपिंग करने का आनंद भी ले सकते हैं। इसका तो क्या ही कहना यार, जितनी करो उतनी कम है। यहाँ अगर आप ऐसी ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो आपको सालों तक विशाखापट्टनम की याद दिलाती रहेंगी। खासतौर पर यहाँ मिलने वाली पोचमपल्ली इकाट साड़ियों की बात तो अलग ही है यार। इसके अलावा कलमकारी पेंटिंग और कोंडापल्ली वुड के खिलौने भी आपको यहाँ पर जरूर खरीदने चाहिए। वैसे विशाखापट्टनम में शॉपिंग करने के लिए कई बेहतरीन जगह है जिन्हें आपको अपनी ट्रिप के दौरान जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। लिपाक्षी हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम उनमें से एक है। आप यहाँ विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैंडक्राफ्ट आइटम्स जैसे कि भगवान और जानवरों की मूर्तियों को देख सकते हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर जरूर आते हैं। टूरिस्ट के लिए ये शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर सभी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ पर ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर कोंडा, रॉस हिल और दरगाह कोंडा। वेंकटेश्वर पहाड़ी पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। रॉस हिल पर मैरी माता श्रीन है और दरगाह कोंडा पर मुस्लिम संत बाबा ईशा मंदिना का मकबरा है। यहाँ के समुद्री तट जैसे कि ऋषि कोंडा बीच, गंगावरम बीच और यारदा बीच शहर के पूर्वी हिस्से की ओर स्थित है। अगर इसके बाद भी आपको अपनी विजाग की ट्रिप अधूरी लगे तो आप कैलाश गिरी हिल पार्क, अरकू वैली जैसी जगहों पर जाकर भी अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको बता दें कि आपको विशाखापट्टनम कब जाना चाहिए और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। विशाखापट्टनम आने का सबसे अच्छा समय मॉनसून के बाद के महीने और ठंड में अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच है। अगर आपको हवाई यात्रा करके विशाखापट्टनम जाना है तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर एयरपोर्ट लगभग भारत के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम शहर से एयरपोर्ट की दूरी 15 किलोमीटर ही है और आपको यहाँ से आसानी से टैक्सी मिल जाती है और एयरपोर्ट के अलावा रेलवे द्वारा भी आप विशाखापट्टनम आसानी से पहुँच सकते हैं। आप बस के द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मर्जी हो आ जाओ, घूमो, मस्ती करो। ये था भारत का सबसे शानदार शहरों में से एक विशाखापट्टनम। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है विशाखापट्टनम से तो हमें जरूर बताइए। वैसे क्या आप कभी गए हैं विशाखापट्टनम, और गए हैं तो
तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।